विला रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम आज फिर मेरे साथ डॉक्टर इरफान मलिक आई थिंक इज़ टू बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द चुगन कासिम यूट्यूब चैनल बाय द वे अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारी कॉन्वर्जेसन इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हम बना रहे हैं पसंद आ रही हैं तो ज़रूर uh, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मज़ीद और क्या सवाल और बातचीत हो सकती है जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि प्रिवेंशन क्योंकि पिछली वीडियो में डॉक्टर इरफान मलिक जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मेनोलॉजी हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि भई प्रिवेंशन बेहतर है अगर इस वबा इस बीमारी से बच जाएं तो दैट्स बेटर देन गेटिंग बीमार एंड देन उसके प्रॉपर जो इश्यूज़ हैं और उन मसाइल से गुजरना तो डॉक्टर इरफान मलिक हमारे पास बहुत से सवाल हैं आज फिर आपके लिए असल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर के मतलब एक चीज़ को अवॉइड कर दें तो फिर क्या ही बात है तो प्रिवेंशन क्योंकि प्रिवेंशन की बड़ी कहानी है लोगों ने तो बिजनेस बना दिया है लोगों ने एक्चुअली बिजनेस बना दिया है लोगों ने घर पे मास्क बनाने शुरू कर दिए हम बड़े खुश हुए कि कितनी प्यारी बात है लोग मास्क बना रहे हैं घर पे फिर लोगों ने उनको बेचना शुरू कर दिया मतलब आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं या आप एक बीमारी का एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं डॉक्टर्स ने भी बड़ा सफ़र किया इसकी वजह से हाँ जी बिल्कुल आ, देखें जैसे पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि <coughs> ये अंडरस्टूड कर लेना कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और ख्वाहिशात आपकी हैं यू एस वाली तो हमारी कुछ लिमिटेशन हमारे साथ चलेंगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एज अ फर्स्ट लाइन सोल्जर वास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड मास्क किसको कौन सा मास्क पहनना है क्या हमें प्रिवेंशन करनी है बहुत ही इसकी पैनिक क्रिएट करके शुरू में ना लोगों को ऐसे <laughs> हाई लोग मास्क पहन हाँ, के मतलब तो वो अंडे टमाटर लेने के लिए पहुंचे होते हैं मुझे समझ नहीं आती हाँ कि मास्क भी वो पहन रहे हैं जो कि एक मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर को चाहिए सो कुछ मास्क हमें चाहिए किस बंदे को चाहिए हमें सबको देखना चाहिए था एन ये इंसान को अपना नाम याद हो या ना याद हो एन सबको याद है एन मास्क क्या मुझे चुगन काजम को पहनने की जरूरत है क्या मेरे घर में जो लोग काम करते हैं उनको पहनने की जरूरत है क्या क्या हमारी मेरी जो ये पूरा क्रू यहाँ पे है क्या उनको भी एन नाइन्टी फाइव ही पहनने की जरूरत है बिल्कुल नहीं वो हेल्थ केयर वर्कर जो उस पेशेंट के साथ जो कि इस वबा का जिसमें तशीस मुकम्मल हो चुकी हो कि वो कन्फर्म केस है उसका कंटेक्ट अगर होना है तो वो एन नाइन्टी फाइव के साथ है बाकी किसी कम्यूनिटी को नहीं होगा एक और चीज़ याद रखें फिर और भी हेल्थ केयर वर्कर हैं जो उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनको भी ये चाहिए और ये हेल्थ केयर वर्कर से मेरे मुराद डॉक्टर नर्सिस वार्ड बॉय और स्वीपर भी शामिल है ये वो लोग हैं जो स्पेशली अस्पताल अस्पताल से रिलेटेड लोग और वो लोग जो ख्याल रख रहे हैं उन लोगों का या उन लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुब्तला हैं इसलिए खुदा प्लीज़ ये एन नाइन्टी फाइव मास्क खरीद खरीद के ख़रीद खरीद के डॉक्टरों के लिए आप लोगों ने एक स्यापा क्रिएट कर दिया है कैसे जब आप लोग खरीद खरीद के अपने घरों में स्टोर करना शुरू कर देंगे बेवकूफों की तरह जिस तरह बाहर के ममालिक में लोगों ने टॉयलेट पेपर खरीद खरीद के खरीद खरीद के अपना और बाकियों का भी बेड़ा गर्क कर दिया स्टॉप बाइंग एन नाइनटी फाइव मास्क यू एन आई डोंट नीड देम मेडिकल प्रोफेशनल्स नीन अच्छा लेकिन जब मास्क की बात हो रही है ये आई वॉन्टेड यू टू क्लैरिफाई दिस बिकॉज दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड बाय द वे इसके बाद जो आप, हम नेक्स्ट अपनी फाइनल वीडियो ऑफ आ सीरीज बनाएंगे वो हम मिथ्स पे एंड फाइनल मैसेज भी डॉक्टर साहब से लेंगे लेकिन अभी मैं ये जानना चाहती हूँ ए टू जी प्रिवेंशन का तरीका मुझे बता दें ठीक है एक तो नॉर्मल मास्क आपको चाहिए जो अच्छा अच्छा इससे प्रिवेंशन से पहले अगर हम ये समझें कि ये स्प्रेड कैसे हो रहा है ना तो उसी चीज़ों को हम ब्रेक कर सकते हैं तो जो स्प्रेड का सबसे मेन रूट है वो है कंटेक्ट किसी भी चीज़ से ऐसी चीज़ से आपका कंटेक्ट होना जिससे ऑलरेडी उस शख्स का कंटेक्ट हो जो कि इस बीमारी में मुबला हो या उस शख़्स से डायरेक्ट कंटेक्ट फ़िज़िकली किसी फॉर्म में भी हो जाए अच्छा ये कैसे हो सकता है like, लाइक वो पेशेंट है जिसको ये वबा थी और उसने कफ की या स्नीस किया और अपने हाथ पे उसने वो स्नीस किया और उससे उसने डोर की नॉब ओपन की और आके इस टेबल के ऊपर वो बैठ किया अब उसने इस टेबल को डिफरेंट जगहों पे उसने हाथ लगाया हुआ आप आए हैं और वो चला गया अब इस पे टेबल पे उसका टाइम जो वायरस का है वो चार घंटे से लेके बारह घंटे से बहत्तर घंटे तक होगा डिपेंड अपॉन इसका मटेरियल क्या है सपोज के आप उस टाइम लाइन के दौरान इधर आ गए हैं और आपने इस चीज़ को टच किया टच करने के साथ ही आपने अपनी आँख को नाक को या मुँह में अपने आपने हाथ लगाया तो आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया अब इस पूरी प्रिवेंशन में आपको किसी एन नाइन्टी फाइव मास्क के से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या चीज थी जो उससे हमें बचा सकेगी तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज को टच कर रहे हैं हमने अपने हैंड को सैनिटाइज करना उसको हमने वॉश करना तो क्या ग्लव्स ग्लव्सा ऑप्शन से मैं एक चीज बताऊं कि देखे दो, तो तो दो किस्म के ग्लव्स हैं एक तो सर्जिकल ग्लव्स हैं जो आ, आप लोगों के यूज के होते हैं अगेन जिस तरह एन नाइन्टी फाइव की ज़रूरत नहीं है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उन ग्लव्स की भी हम जैसे लोगों को ज़रूरत नहीं है लेकिन वो जो बिल्कुल प्लास्टिक सेलोफिन के जो बने हुए होते हैं ग्लव्स जैसे कि मैंने अगर सौदा लेने के लिए जाना है देखिए हफ़्ते में एक दफ़ा तो मुझे डॉक्टर साहब लगाना ही पड़ता है चक्कर अंडे टमाटर गोश्त मुर्गी ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं दूध वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डेली हम लोग पहले लेते थे हमने हमने वंस इन टेन डेज वाले सिस्टम पे चले गए तो अगर मैं जाती हूँ लेने के लिए तो मैं अपने आप को कैसे तैयार करके लेके जाऊं? अच्छा देखिए इसमें शायद आ, आप, आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकती हैं मेरा ये कंसेप्ट है कि अगर आप ये ग्लव्स पहन लेते हैं ना तो आप ओवर प्रोटेक्टिव समझते हैं अपने आप को आप ग्लव पहन के भी वही काम करते हैं कि आप चीज़ों को हाथ लगाते हैं और ग्लव्स अपनी डिफरेंट प्लेसेस पर लगाते हैं दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू हाथों का मसला नहीं हाँ... है मसला हाथ से किसी चीज़ को मुंह पे लगाने जी का है। अगर आपको ये एहसास हो जाए और वो से नहीं होता जब तक आपके हाथ बेल नहीं होते नेकेड नहीं होते आपको ये एहसास नहीं होगा कि मैंने अनयूजल चीज़ को हाथ लगाया तो आप उसको वॉश नहीं करेंगे तो मैं इस वजह से मैं पर्सनली पर्सनली वैसे तो कम्युनिटी नहीं एज मैं समझता हूं कि ग्लव्स हमें अननेसेसरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और मैं नहीं समझता कि इसको आपको उस तरह तरफली यूज करना चाहिए लेकिन जैसे कि आप बाइक पे गए या गाड़ी पे गए आपने अपना सामान वगैरह खरीदा सामान खरीदते ही गाड़ी में बैठते ही आपने अपने उन दस्तानों को उतार दिया और किसी थैले में डाल दिया घर में वह आपने गाड़ी में कोई बैग या कोई ऐसी चीज़ रखी हुई जिसमें आपने डिस्पोज कर दिया और उसके बाद फिर आप घर पहुंच के हाथ वॉश करेंगे प्रॉपर तरीके से या तो गाड़ी में बैठते ही सैनिटाइजर आफ्टर टेकिंग ऑफ योर ग्लव्स एंड देन घर पहुंच के अच्छी तरह हाथ धोने वो भी बीस सेकेंड के लिए यू आर लिविंग पाकिस्तान सो आपने अब उसमें तो बताया मैं नहीं मैं आपसे देखें मैं हम अभी हम दुनिया के किसी भी हम अफ्रीका में रहें जर्मनी में रहें पाकिस्तान में रहें गाइड हमने लोगों को उन स्टैंडर्ड्स भी करना है जरूरी है बिल्कुल आइडियल ये बिल्कुल ठीक बताया कि आपने अगर वो आप वो ये कर सकते हैं तो ये ठीक है आपने वो आपने सब्जी ली उठा के आपने रखी और उसके बाद वही आपने जो अपने ग्लव्स थे वो उतार के एक प्रॉपर डिस्पोज ऑफ बैग में डाले हैंड सैनिटाइजर से आपने उसको वॉश किया और फिर आप गाड़ी में बैठे तो दिस इज द आइडियल बट वी कैन लेकिन अब आप घर पहुंच के भी जब उन सब्जियों को वॉश करेंगे और साफ सुथरा करेंगे तो उसके फौरन बाद भी आप, आप फिर आप अपने हाथों को धोएंगे ये भी एक चीज़ बिल्कुल कर रहे हैं किचन में खाना शाना बना लिया खाने बनाते हुए जो हाथ हाथ धोए धो लिए उसके बाद किचन से आप वो काम करने के बाद भी अपने हाथ देखिये जितनी दफा हाथ सफाई मान है जितनी दफा अपने हाथ साफ करेंगे ठीक है अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं <coughs> जी वी नीड सैनिटाइजर नॉट एट ऑल ये नहीं कि आपको हाथ वॉश करने के लिए सैनिटाइजर की जरूरत है मनी मेकिंग बिजनेस लोगों ने घरों पे सैनिटाइजर शुरू कर पर जो सैनिटाइजर नहीं है पता नहीं कुछ ये भी कुछ गंध हाँ, बनाया हुआ, हुआ है और मैं अगेन जब सैनिटाइजर लोगों ने बनाने शुरू किया डॉक्टर साहब मैं बड़ी खुश हुई और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग सैनिटाइजर्स बना रहे थे वो सिर्फ बेचने के लिए बना रहे थे बाहर आप देखें इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स उन्होंने अपनी फैक्ट्रिया और सब कुछ बंद किया हुआ है और वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और चीजें बना रहे हैं फ्री की ये yes. और बांट रहे हैं ऐसे ही। हमारे यहाँ घरों में लोगों ने सोचा है कि यार ये बड़ा अच्छा तरीका है पैसा बनाने को जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना इटली की वगैरह की बाकी उन्होंने अपनी फैक्ट्री को जल्दी चलाने के लिए अपने एम्प्लॉय के टेस्ट भी खुद ही करवा कि हम खुद ही करवा लेते हैं सो so दैट हमारे रिसोर्स जो है वो हो जाए बचत हो जाए अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपका आप, आप हमने एक फर्स्ट कंटेक्ट को समझ लिया कि इस तरह हम उसको बचा सकते थे अच्छा Just, ये हाँ, हाँ, क्या हाँ, क्या science हाँ, हाँ ये बीस सेकेंड जो हैंड है यही प्रूवन है कि ये आपके हाथ को प्रॉपर क्लीन करते हैं अच्छा आपको सोप भी जो है ना वो भी इक्वली गुड है अगर आप सोप से भी क्लीन कर लें

पानी की भी किल्लत है हमारे मुल्क में हर चीज की कमी है इसलिए हर चीज़ का कम से कम इस्तेमाल करें साबुन के अलावा बिल्कुल ऐसे है और फिर उसके बाद आ जाते हैं हैंड सैनिटाइजेशन के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है सबसे बेस्ट कौन सा है अल्कोहल बेस्ड और ये ये चीप पर है इतने महंगे नहीं है ये ना हो ब्रांड के पीछे भागें जो भी सेवेंटी परसेंट सत्तर परसेंट अल्कोहल के साथ बना हुआ है वो आइडियल हैंड सैनिटाइजर है हैंड सैनिटाइजर है उसको अब आपने पीना नहीं शुरू जी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज वी आर इन स्टेट अच्छा इसके बाद अब हमें कुछ अपनी आदात को बदलना है अब हम एक खांसी का, का, है या छींक आ रही है तो हम बड़े शौक से अपना जो हम रिलीजस बनते हैं तो हम कुछ हैंड यूज़ करते हैं उसकी बैक यूज़ करते हैं और उसके बाद उसके बाद हम समझते हैं हम सिक्योर हो गए ऐसा नहीं है आ, कुछ लोग टिश्य पेपर इस्तेमाल करके वो टिश्यू पेपर अपने पॉकेट में डाल देते हैं वो समझते हैं वो सिक्योर हो गए ऐसे नहीं करना आपने आप जब काफी असनीस कर रहे हैं तो प्रेफरेबली आप टिश्यू पेपर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त ही इसको डिस्कार्ड करें डस्टबिन के अंदर या फिर या फिर, आप बिल्कुल फ्लेक्स एल्बो के साथ इस पर काफी सनीस कर सकते हैं सो ये एटिकेट्स हमने समझने और ये सारी जिंदगी के एटिकेट जी जी नहीं बिल्कुल ठीक बात किया आपने अच्छा दूसरे इंपॉर्टेंट जिस शख्स को ये वबा हो चुकी है वो मास्क पहन लें वो बड़ी इसके लिए भी प्रिवेंटिव है हमारे लिए बड़ा प्रिवेंटिव है क्योंकि मास्क पहनने से इसकी जो एरोजोल जो कफिंग स्नीजिंग से ट्रांसमिशन थी वो वो कम हो जाएगी ना होने के बराबर हो जाएगी हाँ कंटेक्ट की प्रिवेंशन तो हम कर लेंगे अब बास लोगों को आ, अलामत नहीं है और वो मास्क पहने बगैर फिर रहे होते हैं और वो कफिंग स्नीजिंग करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मास्क आज से कुछ अर्सा पहले तीन चार दिन पहले तक हम हर चैनल पे कहते रहे कि मास्क सिर्फ फलाम फ्लां बंदे को रिक्वायर्ड है लेकिन नॉट एट ऑल अब हमने हर शख्स ने पुरोजूम जगह पे जाते हुए या जा किसी गैदरिंग में बैठने से पहले मास्क जरूर पहनना है सो so दैट अगर हमें अलामत नहीं हुई और हम उस बीमारी का शिकार हैं तो हम किसी दूसरे को इसकी बीमारी में मुतला ना कर दें वंडरफुल डॉक्टर साहब ये तो हो गई हमारी प्रिवेंशन करेक्ट अब यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे और इन नेक्स्ट टाइम जो हमारी फाइनल वीडियो होगी डॉक्टर साहब के साथ आपको ऑफकोर्स फाइनल मैसेजेस भी डॉक्टर साहब देंगे लेकिन मिथ्स ये जो एक बात बड़ी कॉमन सुनने को मिली रही है कि डिस इनफेक्टेंड टनल्स में से अगर आप गुजरेंगे तो आप बिल्कुल डिस हो जाएंगे आ, अगर आपने अगर आपके घर में मतलब अगर आप अंडर सर्टेन एज हैं तो आपको तो कोरोना हो ही नहीं सकता और अगर आपको हो भी जाएगी ये प्रॉब्लम या आप इस बीमारी में मुबतला हो भी जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा बच्चों के स्कूल्स क्यों नहीं खोले जा सकते बच्चे तो नहीं मरते इस इस बीमारी से ये बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं कोई दो तीन दवाइयों की कॉम्बिनेशन है वो अगर ले ली तो आप आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो लोगों ने वो दवाइयां सारी मार्केट से उठा ली ये सारी जो चीजें हैं इन पर हम क्लैरिटी लेंगे डॉक्टर इरफान मलिक से नेक्स्ट टाइम